नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। उत्तराखंड में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के बागी विधायकों ने आज एक स्टिंग ऑपरेशन जारी कर सीएम हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। बागी विधायकों का दावा है कि स्टिंग एक प्राइवेट चैनल से जुड़े पत्रकार ने किया है। हालांकि जी मीडिया स्टिंग की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। ऐसी भ्रष्ट सरकार को, जो माफियाओं की सरकार है, इसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। उत्तराखंड की राजनीति ने शनिवार को उस समय नया मोड़ ले लिया जब कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी की, जिसमें पैसों के लेन देन की बातचीत हो रही है। स्टिंग में सीएम हरीश रावत को फोन पर एक शख्स से बात करते हुए दिखाया गया। दावा किया गया है कि फोन पर दूसरी ओर बागी विधायक हरक सिंह रावत हैं। हेलो, हाँ ठीक है, तुम तो मेरे लिए सस्ते में निपटो। मैंने कहा तुम मेरे लिए सस्ते में निपटो, मैं तो छोटे भाई की तरीके से सभी तुमको दे करके जाना चाहता था। मैं तो दर्शन भूमि से कहता था, उससे ज़्यादा कोई एनर्जेटिक है ही नहीं। लेकिन ये तो सस्ती बात है। स्टिंग में हरीश रावत और एक पत्रकार के बीच की बातचीत भी है। स्टिंग में पत्रकार रावत सरकार को बचाने के लिए बागी विधायकों को समर्थन में लाने की बात करता हुआ दिख रहा है। कहना मैं ज्यादा भी ला सकता हूँ, लेकिन 3 का मैं तो भाई अपना और 2 का तो श्योर हूँ। 2 से उन्होंने बात कर ली थी, बात करने के बाद ही मुझे उन्होंने कन्फर्म किया। तभी पहले मैं उनसे मिलने गया, फिर वहां से मैं एक एडजस्टमेंट मंत्री, एक को कॉरपोरेशन, जो भी आप देना चाहें जो ठीक लगे, एक कॉरपोरेशन, एक मंत्री और इनको 2 विभाग और कैश, जो आप वो तो ज्यादा कह रहे हैं, वो तो कैश तो एक बात है, वो अपने विभाग से जो कमा ले यार। मुख्यमंत्री जो है, एक पत्रकार को मुझ विधायकों को मनाने के लिए या विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए पत्रकार को जिम्मेदारी दे रहे हैं। सर, आपने जो सीडी जारी की उसमें क्या है? वो सारी चीजें आपके सामने हैं। सर, सीडी में क्या है? सर हमने महामान्य राज्यपाल को हमने पत्र लिखा है, राष्ट्रपति को लिखा है कि तत्काल इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। 15 करोड़ रुपया और पद दिए जा रहे हैं, और ये तो सिर्फ हरक सिंह जी की बात है, सब विधायकों को इस तरह के ऑफर्स अलग अलग दिए गए हैं। हरीश रावत जी और उमेश शर्मा के बीच में बात है, जिसमें हरक सिंह जी को ऑफर किया गया है, और किसी तीसरे आदमी के साथ है, कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम आया। विजयवर्गीय जी का इसमें कोई लेन देन नहीं, हम बीजेपी से किसी के टच में नहीं है। हाँ, उनका आज सहयोग जरूर मांगते हैं कि सरकार को बर्खास्त करें। स्टिंग में सरकार बचाने के लिए रावत और पत्रकार के बीच मंत्री पद और पैसों की लेन देन की बात है। स्टिंग के मुताबिक बागी विधायकों ने समर्थन के लिए 3 मंत्री पद और 25 करोड़ रुपए की डिमांड की। हरीश रावत बागी विधायकों को 3 मंत्री पद और पैसे देने के लिए राजी होने की बात कर रहे हैं। स्टिंग के मुताबिक हरीश रावत ने कहा, विधायक आए और विभाग से 25 क्या 30 कमा के ले जाएं। इस आरोप पर सीएम हरीश रावत ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश के तहत किया जा रहा है और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश भी हो रही है। मैं बिल्कुल सीधे कहना चाहता हूं कि ये सीडी झूठ है, बिल्कुल फाल्स है। जब ये पत्रकार के रूप में उनसे मिलते हैं तो हर व्यक्ति डरा हुआ सहमा हुआ रहता है कि किस व्यक्ति किस चीज का ये क्या फायदा उठाएंगे और किस तरीके से ये किसी को इम्प्लीकेट करके फिर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। उधर बागी विधायकों के नेता विजय बहुगुणा ने स्टिंग की सच्चाई का दावा करते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने को कहा। इस बात पे भी मुख्यमंत्री को नैतिकता पे आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर होता, मैं सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर कर देता। कर दे सीबीआई की इंक्वायरी, अगर वो पत्रकार दोषी है तो जेल जाएगा। और मुख्यमंत्री ने अगर ये प्रयास किया सत्ता में रहने के लिए, इन लोगों को जोड़ने के लिए, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने उत्तराखंड की अल्पमत सरकार को फौरन बर्खास्त करने की मांग की, जबकि कांग्रेस ने इसे हरीश रावत सरकार को गिराने की बीजेपी की साजिश बताया। भ्रष्ट मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी रहना नहीं चाहिए, हमारी मांग है। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से मिल रहे हैं शाम को और उनसे आग्रह करेंगे कि सरकार को अपदस्थ करें, और यदि उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर गवर्नर से
राय लेकर और तत्काल कोई आवश्यक कदम उठा है, फर्जी है और जब षड्यंत्र किया है और इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। तो सांसदों की खरीद फरोख्त और एक स्टिंग ऑपरेशन आने के बाद हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ गई है और उत्तराखंड का जो सियासी संकट है उसने बहुत ही गंभीर मोड़ ले लिया है। लेकिन यहां पर जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार हरीश रावत का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के जो बागी विधायक है हरीश रावत के कामकाज से बेहद ही नाराज है। साथ ही सरकार में बड़े पैमाने पर करप्शन के आरोप लगाए जाते रहे हैं, इसका एक और कारण ये भी है। साथ ही बगावत के पीछे विजय बहुगुणा का काफी अहम रोल है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है। साथ ही हरीश रावत को सीएम बनाने पर कई बार आपत्ति जता चुके हैं बहुगुणा। इसके अलावा और भी जो विरोध सामने आए हैं वो है बहुगुणा पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी की मांग करते आ रहे थे, ये बड़ी वजह है हरीश रावत के विरोध के पीछे। और लेकिन हरीश रावत खेमा उन्हें जिम्मेदारी देने के विरोध में था, तो ये कुछ वजह है जिसको हरीश रावत के विरोध के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब हम उत्तराखंड विधानसभा की स्थिति अगर आपको समझाया तो उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, ये देखिए हमने आपके सामने पूरी तस्वीर रखी है। तो आखिर सियासी समीकरण क्या कहता है, कांग्रेस के 36, बीजेपी के 28 और 3 निर्दलीय विधायक, ये फिलहाल स्थिति वहां की है। बीएसपी के 2 और यूकेडी का 1 विधायक है। कांग्रेस से 9 विधायक बागी हो गए, यानी हरीश रावत की कुर्सी खतरे में पड़ गई और उसके बाद अब जाकर ये सियासी संकट बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा पर अब बीजेपी का क्या दावा है, वो कैसे बना सकती है यहां पर सरकार, बीजेपी और जो कांग्रेस के बागी विधायक 9 है उसको जोड़कर कुल 37 विधायक उसके पास आ जाते हैं जो कि बहुमत को पार कर जाता है। लेकिन कांग्रेस और यूकेडी भी साथ में मिल जाते हैं, 27+6 अगर हम करते हैं फिर भी वो बहुमत से पीछे ही है। और जरूरत आन पड़ने पर स्पीकर का अगर 1 वोट जोड़ दिया जाए तब भी कांग्रेस सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। मेरे सहयोगी सोनू सिंह इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सोनू, जो ये पूरे उत्तराखंड के सियासी घमासान में एक नया मोड स्टिंग ऑपरेशन के रूप में आया है, अब आगे कैसी तस्वीर सामने आती है इस पूरे सियासी संकट में? देखिए, जो सियासी संकट है ये पूरा का पूरा और गहराता जा रहा है और इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कई वजह सामने आ रही है। पल पल उत्तराखंड का सियासी समीकरण जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और ये मामला अब और पेचीदगी भरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें टेक्निकल पहलू आ गए हैं। यदि टेक्निकल पहलू को की हम बात करें और हम सरकार की 18 तारीख की उस बात को मान लें जिसमें सरकार की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि जो वित्त विनियोग विधेयक है वो पारित कर दिया गया, और यदि पारित कर दिया गया है तो फिर इसमें जो विधायक है उन विधायकों पे, बागी विधायकों पे किस आधार पर सरकार की तरफ से दल बदल कानून लगाया जा रहा है, और यदि दल बदल कानून लगाया जा रहा है वित्त विनियोग विधेयक पारित कर दिया गया तो फिर जो बागी विधायक हैं उनकी बात में इतना दम क्यों नजर आ रहा है। उनका खास तौर पर ये कहना था कि वो वोट डिवीजन चाहते थे, इसके लिए उन्होंने राज्यपाल को स्पीकर को दोनों को ही सूचना दे दी थी लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और जब बीजेपी के साथ वो खड़े हो गए तो तब कांग्रेस की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं संकट में महसूस करने लगी, अल्पमत की स्थिति में महसूस करने लगी। और अब ये चीजें बदलती जा रही हैं, पल पल सियासी समीकरण बदल रहे हैं और हालात अब ऐसे नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखना होगा कि कल कल का दिन बीच में है और ऊपर से ऐसे हालात के पूरे जिले के पूरे प्रदेश के जिला अधिकारियों को धारा 144 लागू कर दिए जाने के लिए यूपी से पुलिस फोर्स 10 कंपनी मंगा लेना, ये तमाम संकेत हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कोई बड़ा फेरबदल निश्चित तौर पर सामने आने वाला है। फेरबदल तो उत्तराखंड में सामने आ सकता है लेकिन पहले अरुणाचल और अब जाकर उत्तराखंड, क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी ग्रिप यहां पर लूज कर रही जिस तरीके से ये नए आरोप प्रत्यारोप और इस तरह से सियासी संकट सामने आ रहा है? बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस कभी अपने को मजबूत महसूस कर रही है तो कभी अपने को कमजोर भी महसूस कर रही है। यदि हम आज की बात करें, आज का जो दिन भर का घटनाक्रम रहा है, 2.5 घंटे तक बागी विधायकों के वकीलों के एक पैनल ने उनसे हेयरिंग की है और उसके बाद जब दस्तावेज और कुछ जानकारी चाहिए तो विधानसभा अध्यक्ष ने सुबह कल 9 बजे तक का टाइम लिया है। तो इससे जो बागी विधायक है उनकी तरफ से जो अधिवक्ता आए थे वो संतुष्ट नजर नहीं आए।
दूसरा जो हरीश रावत को एक क्लिपिंग के जरिए दिखाया गया सीडी की, इसको लेकर बीजेपी भले ही आश्वस्त नजर आ रही, लेकिन जो कांग्रेस है वो अपने को कमजोर महसूस कर रही है, यानी यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगा है। दूसरा, मुख्यमंत्री हरीश रावत अब से कुछ समय पहले ही बाजार में गए घंटाघर के पास और वहां पर पान खाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भले ही अपने हाव भाव से बताने की कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक है और बहुत ज्यादा फर्क उनसे नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो सियासी समीकरण बदल रहे हैं वो सब कुछ बयां कर रहे हैं, प्रत्यक्ष इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो हालात हैं वो कांग्रेस के भी फेवर में बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। वाकई बहुत शुक्रिया सोनू इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में नया सियासी संकट खड़ा हो गया है और जो नई गतिविधि सामने आई है उसके तहत अब और भी ज्यादा परेशानी हो गई है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन में सांसदों के खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। हरीश रावत वैसे पहले भी विरोध का सामना कर चुके हैं, जिसको लेकर जैसे जो कांग्रेस के बागी विधायक है हरीश रावत के कामकाज से बेहद नाराज रहे, सरकार में बड़े पैमाने पर करप्शन के आरोप लगाए जाते रहे हैं, बगावत के पीछे विजय बहुगुणा का अहम रोल इसमें बताया जा रहा है। इसके अलावा हरीश रावत को सीएम बनाने पर कई बार भी आपत्ति जता चुके हैं बहुगुणा, साथ ही बहुगुणा पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी की मांग करते आ रहे थे, लेकिन हरीश रावत खेमा उन्हें जिम्मेदारी देने के विरोध में था। एक तो पहले से ही विरोध, ऊपर से नेस्टिंग ऑपरेशन जिसमें सांसदों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, तो उससे सियासी समीकरण कितना बदला है ये हम आपको बता रहे हैं। स्थिति फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा की क्या है, उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, अब कांग्रेस के 36, बीजेपी के 28 और 3 निर्दलीय विधायक, ये स्थिति है। बीएसपी के 2 और यूकेडी का 1 विधायक है। अब कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए, यानी हरीश रावत की कुर्सी खतरे में पड़ गई है, लेकिन अब जो समीकरण बनेगा वो किस तरह समीकरण बन सकता है, बीजेपी का दावा है कि वो हां वो सरकार बना सकती है। बीजेपी के 28, बागी 9 विधायक जोड़ दिए जाए तो वो बहुमत को पार कर जाते, यानी 37 सीटें उसके पास है, लेकिन कांग्रेस के 27 और साथ में यूकेडी के भी अगर 6 सांसद जोड़ दिए जाए फिर भी वो बहुमत से काफी पीछे है, और जरूरत आने पर अगर स्पीकर का एक वोट जोड़ दिया जाए तब भी कांग्रेस यहां पर खतरे में ही नजर आती है। लेकिन यहां पर उत्तराखंड कांग्रेस में खेमेबाजी का खामियाजा ग्रैंड ओल्ड पार्टी को भुगतना पड़ा है, तो आइए देखते हैं मौजूदा संकट की वजह क्या रही। देवभूमि उत्तराखंड में इस समय राजनीतिक संकट चरम पर पहुंच गया है। पहले कांग्रेस में बगावत और अब बागी विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जारी हुआ स्टिंग। इन सब के बीच विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देने का समय आज शाम 5 बजे पूरा हो गया। तारीख को 5 बजे तक का जो नोटिस हमने दिया था माननीय विधायकों को, उसका जवाब देने का समय दिया गया था, और आज माननीय उनियाल जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ यहां पर आए थे, जो साथ में सभी विधायकों का जवाब लेकर के आए थे, और उनके वकीलों के साथ 2.5 घंटे की हियरिंग के बाद कुछ कागज उन्होंने मुझसे मांगे, वो कागज सूचनाएं वो हमने उनको उपलब्ध कराई, और कुछ और उन्होंने उपलब्ध कराने के लिए कहा, उसको मैंने उनको कल 9 बजे तक का समय दिया गया है कि अगर हमारे पास वो सूचनाएं उपलब्ध होंगी तो कल सुबह 9 बजे आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, और आज जवाब आने का दिन समाप्त हो गया है और हियरिंग भी समाप्त हो गई। इससे पहले सीएम हरीश रावत और बागी विधायकों की तरफ से सुबोध उनियाल ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखा। श्रीमती इंदिरा हृदय जी की याचिका पर जो 9 सदस्यों के आचरण के विरुद्ध थी कि उन्होंने स्वेच्छा से कांग्रेस की सदस्यता का त्याग किया है, उस पर मैंने जो अपनी बात कहनी थी उसको कहते हुए जो याचिकाकर्ता ने कथन किया है मैंने, और डिफरेंट याचिकाओं में जो कथन किया है मैंने उनका भी समर्थन किया है, और मैंने जो है जो दस्तावेज उन्होंने दिए हैं उनकी पुष्टि करते हुए दस्तावेज भी माननीय अध्यक्ष जी को दस्तावेजों की कॉपी भी सौंपी है। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक पद होता है, उच्च मर्यादाओं को स्थापित रखना निश्चित रूप से इस संवैधानिक पद होने के कारण माननीय अध्यक्ष जी की होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष जी
संविधान के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए अध्यक्ष की मर्यादा के तहत निश्चित रूप से न्याय करेंगे। उत्तराखंड में मौजूदा राजनीतिक घमासान के पीछे कांग्रेस की गुटबाजी जिम्मेदार है। दरअसल 2012 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के नंबर एक दावेदार हरीश रावत को किनारे कर कांग्रेस आला कमान ने विजय बहुगुणा को सीएम पद सौंप दिया। हरीश रावत ने उसी समय बगावत का झंडा बुलंद किया, लेकिन केंद्र में मंत्री पद देकर उन्हें किसी तरह मना लिया गया। लेकिन करीब दो साल का विजय बहुगुणा का कार्यकाल कांटों भरा रहा। पूरे समय विजय बहुगुणा को विपक्ष से ज्यादा अपने ही घर में खतरा बना रहा और आखिरकार विजय बहुगुणा को 31 जनवरी 2014 को सीएम पद से हटाकर हरीश रावत को राज्य की बागडोर सौंप दी गई। कह सकते हैं जो जख्म हरीश रावत ने विजय बहुगुणा को उस वक्त दिए उसका बदला उन्होंने अब निकाला है। हरीश रावत जी की सारी पॉलिटिक्स अपने तक सीमित रही है। जब तिवारी जी चीफ मिनिस्टर बने तो हरीश रावत जी ने सोनिया गांधी के पुतले फूके, प्रेशर डाला पार्टी पे, पार्टी को एम्बेरस किया और पोजीशंस ली उन्होंने अपने मित्रों के लिए। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना 11 दिन तक उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद पार्टी को एम्बेरस किया, ब्लैकमेल किया। 2012 और 2016 की स्थिति में अंतर इतना है कि जहां हरीश रावत ने विजय बहुगुणा के खिलाफ खुलकर बगावत नहीं की और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया, विजय बहुगुणा ने ऐसा करने में गुरेज नहीं किया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे गहरी साजिश बताया। तो दो दिन बाद यानी 28 मार्च को उत्तराखंड की सरकार की तस्वीर साफ होगी और तब भी हम आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे।